सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको कुछ इस टाइप का थंबनेल बनाना सिखाने वाला हूँ। ये थंबनेल आपने देखा होगा जो रिसेंटली मेरी अभी वीडियो एक वायरल हुई है टर्न ऑफ द फोन वाली, तो उसी वीडियो का जो है थंबनेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी बकवास के चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पहले तो ये ना आपने अपने पिक्सार्ट को ओपन करना है, वहाँ पर आपने एक टेक्स्ट ऐड करना होगा जो आपने थंबनेल पर लगाना है। पहले मैं चलता हूँ पिक्सार्ट के अंदर। तो पिक्सार्ट के अंदर आने के बाद जो है ना आपने यहाँ पर एक ये वाला बैकग्राउंड लेना है ट्रांसपेरेंट। अब इसके ऊपर जो है ना आपने नेम लिखना है। अब टेक्स्ट पर आना है आपने, जो आपकी वीडियो का टाइटल है ना जो आप थंबनेल पर लिखना चाहते हो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मेरी वीडियो का जो है ना टाइटल ये है। अब जो है ना मतलब ये गलत हो गया, ऑफ द फोन सही है। अब ये करने के बाद आपने इसको ऐसे कर देना है और फॉन्ट आपने देख लेना है कोई अच्छा सा। तो फॉन्ट जो है ना आपने देख लेना है, यहाँ पर मुझे थोड़ा यही सही लग रहा है, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारा टेक्स्ट का काम हो चुका है। अब हमारा दूसरा स्टेप है, पहले तो जो है ना आपने टेक्स्ट लिखा उसको सेव करा। अब दूसरे में जो है ना आपने वो पिक्चर लेनी जिस पर आपको अपना थंबनेल बनाना है। अब यहाँ पर जो है ना पहला तो काम ये करना है आपने, ये जो रिमूव वीडियो है ना, तो अब जो है ना मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब ये खुद ही रिमूव हो जाएगा इसका बैकग्राउंड। अब ये हुआ, अब आपने ऐसे इसको कर देना है सेव। अब आपने जो है ना अपने PSCC के अंदर आ जाना है। अब ये ओपन होने के बाद जो है ना आपने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको साइज डालना है, पहले तो जो है ना आपने ऊपर वाले पे आपने ये लिख देना है और नीचे वाले पे आपने ये रहने देना है। तब ये हमारा थंबनेल का साइज आ गया। आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको फिल कर देना है ब्लैक कलर के अंदर। अब ये करने के बाद जो है ना आपने फोटो पे जाकर अपनी पिक्चर लेनी जो आपने भी करी है पिक्सार्ट से सेव। पिक्सार्ट से सेव करने से पहले जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी ना उसको आपने यहाँ पर अभी ऐड करना है। अब ये ऐड हुई, अब आपने इसके ऊपर जो है ना वो पिक्चर ऐड करनी जो आपने अभी रिमूव करा है बैकग्राउंड। अब ये पिक्चर भी आ गई हमारी। अब ये करने के बाद आपने नीचे वाले पे आना है, इसको आपने जो है ना यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर इसको कुछ ऐसे कर देना है, आपने 75 कर देना है यहाँ से। इतना होने के बाद आपने कार पे ऊपर क्लिक करके आपने इसके सिलेक्ट पिक्सल्स करके इसको यहाँ से एम्प्टी लेयर करोगे तो अब आप जो है ना यहाँ पे इसको ग्लो दोगे कि आपने यहाँ पर आ जाना है फिल एंड स्ट्रोक पे आके आपने इसको स्ट्रोक दे देना है कुछ वाइट कलर का। अब इसको मैं डन कर दूंगा यहाँ से, इसको कर दूंगा यहाँ से एक्सट्रैक्ट। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना आप पीछे कर करके देख सकते हो, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। अब ये ग्लो हुआ हमारा, अब यहाँ पर डबल टैप करोगे ना, किसी किसी के ना डबल टैप करने से इसका डिसलेक्ट नहीं होता, अगर आपका डिसलेक्ट ना हो ना तो आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इसको कर देना है तो ये हो जाएगा। अब ये देखो ये जो आपका लेयर है ना ये ग्लो वाला लेयर है, अब इसको ना आपने ग्लो देना है, यहाँ पर आके एफएक्स में यहाँ से इसको ग्लो दे देना है। इसको हम वाइट कलर का देंगे और ब्लर को जो है ना आपने 50% पे कर देना है इसके। अब ये हुआ, अब ये करने के बाद जो है ना आपने इसको कर देना है यहाँ से लीनियर डॉज। ये करने के बाद जो है ना आपने इधर क्लिक करना है, इधर फेड पे आना है, इसको जो है ना कुछ आपने ये वाला फेड लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको आपने ऐसे करके डन कर देना है। यहाँ पर आपने अपना वो टेक्स्ट ऐड करना है जो आपने अभी लिखा था पिक्सार्ट के अंदर। अब ये मैंने लिया, इसको मैं कुछ यहाँ से बड़ा करके थोड़ा सा आपने इसको रोटेट करके इसके इधर ले आना है। ये टेक्स्ट ऐड करने के बाद जो है ना आपने इधर आ जाना है, यहाँ पर आपने बार पर क्लिक करके अब ये जो है ना यहाँ पर देखो जो मैं कर रहा हूँ ना आपने वैसे ही करना है। ये जो डॉट है ना नीचे वाला इसको नीचे ले आना है और इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आना है और ये जो बीच के दो डॉट है ना एक ये वाला और एक ये वाला इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर करना है, दोनों को थोड़ा थोड़ा सा इसको भी देखो जो है ना थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा इसके अंदर, इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ। ये देखो अब इसको डन करोगे यहाँ पर, अब जो है ना यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का काम भी हो चुका है, इसको इसके नीचे ले आना है। पहले जो है ना आपने इसको ऊपर ही रहने देना है, हमने इसके ना ग्लो डालना है, ग्लो डालने के लिए आपने इस पर क्लिक करके इसके सिलेक्ट पिक्सल्स करने हैं। अब हमारा जो है ना टेक्स्ट ऐड हो चुका है, अब हमने जो है ना इसके अंदर ग्लो देना है, ग्लो देने के लिए आपने इस पर क्लिक करके इसके सिलेक्ट पिक्सल्स करके यहाँ पर आना है, आपने इसको ग्रेडियंट दे देना है, ग्रेडियंट में कुछ इस टाइप का दूंगा, आप अपनी मर्जी का भी दे सकते हो जो आपको देना हो। सही है, मैं इसको यहाँ से डन करूँगा और अब आपने जो है ना एम्प्टी लेयर लेना है,
और नीचे वाले पे आके आपने इसको डिसलेक्ट कर देना है, और ऊपर वाले पे आना है आपने इसको फिल कर देना है ब्लैक कलर के अंदर। इसको मैं फिल करूँगा, इसको ऐसे रहने देना है। आपने घबराने का भी, आप सोचो कि हमारी पूरी ब्लैक स्क्रीन हो गई। आपने नीचे वाले पे क्लिक करके इसके सिलेक्ट पिक्सल्स करना है, और ऊपर वाले लेयर पर आके जाना है आपने इसको क्लियर कर देना है। यहाँ से क्लियर करोगे तो आपने एफएक्स के अंदर आ जाना है, इसको ग्लो क्लिक करके आपने इसको वाइट कलर दे देना है, और इसके ब्लर को आपने कुछ भी रख देना जैसा आपको अच्छा लगे। मैं इसको 40 कर देता हूँ, 41 ही हो गया, ये सही है। तो आपने पेंसिल पर आना है, यहाँ पर इसको कर देना है एक्सट्रैक्ट। अब हमारा यहाँ से टेक्स्ट का काम भी हो चुका है, आपने इसको डिसलेक्ट कर देना है इसके पिक्सल्स को। अब देखो ये जो है ना, अब जो है आपने इसको कर देना है यहाँ से मर्ज, और इसको आपने डुप्लीकेट करना है। अब यहाँ पर आपने एफएक्स के अंदर आके इसको गेशियन ब्लर दे देना है कुछ इस टाइप का। अब ये देने के बाद आपने इसको लीनियर डॉश करके इसको जो है ना आपने 75 कर देना है, और इसको इससे मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपने जो है ना यहाँ पर इसके इसको शेडो दे देना है। शेडो मैंने इतना दे दिया, जो भी है आप अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हो। अब आपने इसको इसके नीचे ले आना कार के। अब देखो थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाएगा इसके अंदर। ये जो हमारा टैग लग गया, कार का ग्लो भी हो गया। अब आपने पीछे बैकग्राउंड पे काम करना है। बैकग्राउंड पे काम करने के लिए आपने एक ओवरले वगैरह इफेक्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करना। अब देखो जो आपने मेरा गौर करा होगा, जो मेरा ओरिजिनल थंबनेल है ना, यहाँ पे जो टायर है ना, मेरे व्हील है, दोनों व्हील, एक ये वाला व्हील हो गया और एक ये वाला, इन दोनों पर जो है मैंने ग्लो डाला हुआ है। अब वो ग्लो मैंने कैसे डाला है, अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मेन चीज़। अब ये जो रिंग है ना, मैं आपको इसकी लिंक दूंगा, इस रिंग की और पीछे के जो ओवरले लगेंगे ना बैकग्राउंड वगैरह पे, उन सब की मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आपने इसको सबको डाउनलोड कर देना है। अब ये जो रिंग है ना, आपने इसको इसके व्हील के ऊपर सेट करना है। अब जो है ना यहाँ पर आपने इसके ट्रांसफॉर्म पर आकर आपने ना इसको ये कर देना है, इस पर क्लिक करके इसको आपने व्हील पर सेट करना है। अब ये करने के बाद जो है ना आपने इसको डुप्लीकेट करना है, और यहाँ पर आके आपने इसको गॉसियन ब्लर दे देना है, इसके अंदर जो है ना थोड़ा और ग्लो आ जाएगा। इसको इससे मर्ज कर देना है, और इसको भी जो है ना आपने लीनियर डॉश कर देना है। अब जो है ना आपने इसको दोबारा डुप्लीकेट करके इसको दोबारा ट्रांसफॉर्म पे आकर आपने इसको इधर कर देना दूसरे वाले व्हील के ऊपर। इसको भी आपने सेट कर देना है अपने हिसाब से, मैंने करा। अब देखो ये ऐसा हो गया दोनों। अब जो है ना दोनों को आपने मर्ज कर देना है, ये दोनों एक लेयर बन जाएगा। लेयर बनने के बाद आपने इसको एफएक्स करा के आपने इसको कलर दे देना है वाइट कलर में। अब हमारा लुक जो है ना ओरिजिनल उसके जैसा आ गया, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अब जो है ना आपको इसके बैकग्राउंड पर काम करना है, वो करने के लिए जो है ना आपने एक और ओवरले ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद जो है ना आपने इसको कुछ बैकग्राउंड पर इसके ऐसे लगा देना जैसे मैं कर रहा हूँ। ये करने के बाद आपने इसको जो है ना यहाँ से ओवरले कर देना है। अब बैकग्राउंड जो है ना आपका ऐसा हो जाएगा, ये देखो सही है। अब देखो जो है ना ओरिजिनल वाली लुक आ गई है। अब इसको जो है ना आपने यहाँ से इसको कर देना है सेव। यहाँ से मैं इसको गैलरी में कर देता हूँ सेव। अब आपने जो है ना अपने लाइट रूम के अंदर आ जाना है। तो अब जो है ना मैं अपने लाइट रूम के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर जो है ना ये हमारी पिक मैंने ये ऐड कर ली है। अब यहाँ पर जो है ना आपको वो सीसी लगाना है। अब सीसी जो है ना मैंने आपको पहले भी दी थी वाले ट्यूटोरियल के अंदर, ये वाली। अब मैं आपको इसके अंदर भी दे दूंगा, ये वाले ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने इसको कॉपी कर देना है, और यहाँ से जो है ना आपने इसको कर देना है पेस्ट। अब वो जो प्रीसेट था ना, जिसको मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा है, वो प्रीसेट हो गया, और सारे ओवरले जितने भी सारे पैक है ना, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से इन सबको डाउनलोड कर लेना। अब देखो वही वाला लुक आ चुका है, उससे भी ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना बस इतना ही है, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा हुआ तो मैंने लिंक जो है ना अपने कमेंट बॉक्स में पिन करी है, वहाँ से आगे मुझे फॉलो कर सकते हो। कुछ भी आपको काम हो या कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे, आप मुझे वहाँ पर DM कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।